हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशेष ज्ञान। मेरा नाम है करिश्मा और आज मैं आपको गाजर की डबल लेयर बर्फी बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, मार्केट में गाजर बहुत आ रही हैं और गाजर से आप हलवा, खीर, अचार हमेशा बनाते रहते हैं। तो आज मैं आपको गाजर की मिठाई बनाना सिखाऊंगी। पर उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। यहाँ मैंने 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है फ्रेंड्स, और ये मैंने 20 से 25 काजू लिए हैं जिसका मैं पाउडर बना के यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह पर डेसिकेट कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये मैंने 10 से 15 बादाम लिए, इसे मैं स्लाइस करके गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। ये मैंने पिस्ता लिया, इसे मैं बॉइल कर लूँगी और कट करके इसे भी मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी फ्रेंड्स। और ये मैंने इलायची लिए 8 से 10, इसका मैं पाउडर बना के यूज़ करूँगी फ्रेंड्स। ये मैंने 150 ग्राम्स मिल्क पाउडर लिया है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको हैवी बर्फी पसंद हो तो ज़्यादा डालें, कम पसंद हो तो कम डालें। ये मैंने एसेंस लिया, रोज एसेंस, ये ऑप्शनल है। ये मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी ली है, और ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। हाफ मैं अपने गाजर के लेयर में यूज़ करूँगी और हाफ मैं अपने खोए के लेयर में यूज़ करूँगी। ये मैंने 200 ग्राम्स रेडीमेड खोआ लिया है। और ये मैंने 1/2 kg गाजर ली है, इसे मैंने अच्छे से छील लिया था और धो लिया था, और इनके मैंने किनारों को भी काट लिया है फ्रेंड्स। आपको इस बर्फी के लिए लाल गाजर का यूज़ करना है फ्रेंड्स। अब मैं इसे कद्दूकस करूँगी। यहाँ मैंने कद्दूकस करने के लिए फ्रेंड्स बारीक ग्रेटर का यूज़ किया है। अगर आपके पास भी इसी तरह बारीक ग्रेटर हो तो आप उसी से अपने गाजर को कद्दूकस करें। ऐसा करने से आपकी बर्फी बहुत सॉफ्ट बनेगी और अच्छे से चिपक जाएगी। मीडियम साइज ग्रेटर से भी बन जाती है, पर उससे थोड़ी सी गाजर पता पड़ती है कि ये गाजर की बर्फी है। इससे पता ही नहीं चलेगा कि ये गाजर की बर्फी है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसी से अपने गाजर को कद्दूकस करें। ये देखें फ्रेंड्स, ये कितनी पतली बन रही है, और इसमें मैं अपने सारे गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। ये देखें फ्रेंड्स, इतनी फाइन है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये गाजर है। इसी तरह मैं अपने सारे गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गाजर ग्रेट होकर तैयार हैं, और ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई यूज की है फ्रेंड्स। आप इस मिठाई के लिए लोहे की कढ़ाई यूज़ करें, क्योंकि नॉनस्टिक में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। और इसमें मैं ये अपना दूध डाल दूंगी 1/2 kg जो मैंने लिया था, और ये जब बॉईल हो जाएगा तब मैं इसमें अपने गाजर डालूंगी। आप देख सकते हैं हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें गाजर डाल के इसे हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट तक कुक करूंगी, जब तक हमारे गाजर सॉफ्ट ना हो जाए। और मैं इसे चलाती भी रहूंगी, वरना ये आपके तले में लग जाएगा और आपकी बर्फी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। हमें इसे ढककर नहीं पकाना, हम इसे खुले में ही पकाएंगे ताकि हमारा दूध अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, किनारों से मैं ये सब जो साइड में गाजर लग जाती है उसे भी उतार लूंगी, और तब तक मैं ये इलायची के दानों को भी निकाल कर इसका पाउडर बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे इलायची के बाहर की जो ये लीफ है बच जाती है, इसे आप फेंके ना, इसे आप चाय में यूज कर सकते हैं। बॉइल करते समय इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैं अपने इलायची के दानों को क्रश कर लूंगी, अच्छे से पाउडर बना लूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया है। अब मैं इसे ढककर साइड में रख दूंगी और बाद में मैं इसे यूज करूंगी। और आप देख सकते हैं हमारा गाजर और दूध अच्छे से मिल गया है, और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है, इसे हमें और चलाना है। तब तक ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लूंगी। बादाम को मैं अच्छे से लंबे आकार में कट कर लूंगी, आप जो भी शेप चाहें कट कर सकते हैं, और आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो उससे भी आप अपने बर्फी को गार्निश कर सकते हैं। और ये देखिए, पिस्ता को मैंने अच्छे से पानी में 5 मिनट बॉईल कर लिया था, इसके छिलके को हटाकर, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसे गोल में कट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है, इसे भी मैं साइड में रख दूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा दूध लगभग एब्जॉर्ब हो चुका है। इसे मैंने हाई फ्लेम पर ही कुक किया है,
और मैं बीच बीच में इसे इसी तरह चला रही हूँ। तब तक ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का ट्रे ली है, आप चाहें तो कोई भी एल्युमिनियम की ट्रे भी यूज कर सकते हैं अपनी बर्फी को सेट करने के लिए। इसे मैं अपने घी से इसे ग्रीस कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ब्रश में थोड़ा सा घी अप्लाई किया है, इससे मैं इसी ट्रे में ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो इसे हाथों से भी ग्रीस कर सकते हैं, ऐसा करने से आपकी बर्फी आपके ट्रे में चिपकेगी नहीं और आसानी से निकल आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये बटर पेपर है, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसी तरह आपको भी इसके ऊपर बटर पेपर लगा देना है, और इसे भी मैं लगा दूंगी और इसे मैं साइड में रख दूंगी। बाद में मैं इसी में अपनी बर्फी को सेट होने के लिए रखूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गाजर में से दूध एब्जॉर्ब हो चुका है और ये तो गाढ़ा भी हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। अब मैं इसमें ये हाफ कटोरी चीनी डाल दूंगी, और हाफ कटोरी चीनी मैंने पहले ही बचा कर रखा है, उसे मैं अपने खोए के लेयर में यूज करूंगी। फ्रेंड्स, आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैंने इस गाजर की बर्फी में कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं किया है। अगर आपको ज्यादा ब्राइट कलर चाहिए तो आप कोई भी कलर यूज करें कर सकते हैं। और जब आप चीनी डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बर्फी वापस से लिक्विडी हो जाएगी और थोड़ा उसका कलर भी ब्राइट हो जाएगा। इसे भी हमें एब्जॉर्ब होने तक और गाजर के सॉफ्ट होने तक हाई फ्लेम पर पकाना है। फ्रेंड्स, हम कुछ भी चीज लो फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। तब तक ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने खोए को भी ग्रेट कर लूंगी। आप चाहें तो इसे क्रम्बल भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने खोए को भी अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इसे भी मैं साइड में रख दूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी चीनी भी अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है और ये काफी सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें दो बड़े चम्मच देसी घी डाल दूंगी और एक चम्मच बचा लूंगी दूसरे लेयर के लिए, और इसे तेज आंच पर चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक हम भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से सब चीज मेल्ट हो गई है हमारे गाजर में और इसने पैन छोड़ दिया है। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी। फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है, इसी तरह चलाते रहना है। फ्रेंड्स, आप बर्फी में मिल्क पाउडर डालें, वो आपके बर्फी में जो भी मॉइस्चर होगा उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर आप खोआ डालेंगे तो खोए से भी बन जाती है, पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और वो अच्छे से डो फॉर्म नहीं हो पाती, उतनी अच्छी बर्फी नहीं बन पाती। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हलवे में खोए डालें और अपने बर्फी में मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल करें। इसे भी हम हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे, हमें सारी चीजें हाई फ्लेम पर कुक करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितनी जल्दी से डो फॉर्म हो गई है देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें ना काजू पाउडर डालूंगी, आप चाहें तो इसकी जगह पर कोकोनट भी यूज कर सकते हैं, डेसिकेटेड, वो मार्केट में इजीली मिल जाता है। और मैंने काजू पाउडर की वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है, आप वहां से इसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपकी बर्फी का बैटर बनकर तैयार हो गया, आप इसमें से थोड़ा सा बैटर अपने हाथों में लेकर चेक कर सकते हैं। अगर वो आपके हाथों में चिपकने लगे तो समझ जाइए आपके बैटर बनकर तैयार है, सेट होने। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे अपने ट्रे में निकालूंगी। लेकिन ये पहले मैं इलायची पाउडर भी डाल दूंगी जो मैंने अच्छे से पाउडर बनाकर रखा था। ये देखिए, इसे भी अच्छे से मिला दूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से डो फॉर्म हो चुका है। हमें इसे ज्यादा भी नहीं सुखाना है और ज्यादा लिक्विड भी नहीं रखना है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पैन अपने आप छोड़ देगा, तब आप समझ जाएंगे कि ये बन चुका है। अब मैंने गैस बंद कर दिया था और अब मैं इसे अपने ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल लूंगी। आप इसे स्पैचुला या किसी भी चम्मच की सहायता से इस तरह फैला लें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। आप कोई भी एक चम्मच ले लें, उसके बैक साइड पर थोड़ा सा घी अप्लाई कर लें और उसके बाद इसे अच्छे से लेवल कर लें अपनी बर्फी को। ऐसा करने से आपके चम्मच में बर्फी चिपकेगी भी नहीं और अच्छे से लेवल भी हो जाएगी जितनी थिक में आपको अपनी बर्फी रखनी है। ये देखिए फ्रेंड्स,
और जब आप अपने दोनों लेयर लगा लेंगे अपनी बर्फी के, तब आप उसे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने दें, उसके बाद ही फ्रीजर में सेट होने के लिए रखें। फ्रेंड्स मैं अपनी बर्फी में दूसरी लेयर भी लगाऊंगी, पर अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप यहीं पर अपनी बर्फी को रोक दें और इसके ऊपर आप कुछ भी बादाम, काजू या पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो उसे कट करके लगा दें और सेट होने के लिए फ्रीज में रख दें, पर मैं दूसरी लेयर भी लगाऊंगी। उसके लिए हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, ये हमें नॉनस्टिक पैन में ही करना है। उसमें ये एक बड़ा चम्मच जो देसी घी हमने बचा लिया था उसे डाल देंगे। जब ये उसका मेल्ट होगा तब हम इसमें अपने ग्रेट किए हुए खोए को डालेंगे और उसे स्टिकी होने तक हमें कुक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने खोए को डाल रहे हैं और इसे चलाते हुए हमें स्टिकी होने तक अच्छे से कुक करना है। आप देख सकते हैं हमारा खोआ अच्छे से स्टिकी हो चुका है, जैसा आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी, जो हाफ कटोरी हमने बचा ली थी। आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब चीनी मेल्ट होने तक और वापस से डो फॉर्म होने तक हम इसे कुक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वापस से लिक्विडी हो जाएगी और जब डो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तभी हम अपने गैस को बंद कर देंगे। हमें पूरा डो नहीं बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए वापस से लिक्विडी हो चुकी है और ये हम रोज एसेंस डाल देंगे, 3 से 4 ड्रॉप्स। आपको ज़्यादा नहीं डालना, ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर केसर एसेंस भी डाल सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इसी तरह चलाऊंगी और अभी ये थोड़ी सी पतली है, मैं इसे थोड़ा सा और गाढ़ा कर लूंगी। फ्रेंड्स इस प्रोसेस में भी मैंने अपनी फ्लेम हाई रखी है, इसे लो नहीं किया है, और आप इसे चलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको चलाते रहना है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए 2 मिनट और हम पकाएंगे, उसके बाद हम इसे भी अपने ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इतनी ही अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है खोए की और इसे भी इसी तरह स्पैचुला की सहायता से फैला लेंगे। ये देखिए, और इसके ऊपर जो हमने अपने बादाम और पिस्ते काट कर रखे थे उसे गार्निश कर लेंगे। इसी तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, पिस्ते भी लगा लेंगे और इसे चम्मच से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स अंदर तक चिपक जाए, और उसके बाद हम इसे फ्रीज में 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा सेट होने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 3 से 4 घंटे हो गए, हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई। अब मैं इसे निकाल के दिखाऊंगी आपको। निकालने के लिए आपको एक ट्रे लेनी है या प्लेट भी आप ले सकते हैं इस तरीके की। उसके ऊपर आप अपनी बर्फी की जो ट्रे थी आपकी उसे पलट दें इस तरीके से, और बैक साइड में आपको हल्का सा प्रेस करना है इस तरीके से, जैसा आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ट्रे आपके हाथ में आ जाएगी और बर्फी नीचे ट्रे में ही रह जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे हाथों में ले लेंगे और सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम ये बटर पेपर साइड से थोड़ा सा हटा लेंगे, उसके बाद हम इसे मन चाहे शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से। ये हमारी घर की बनी हुई बर्फी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कट कर रहे हैं। वैसे भी घर की चीज़ों से अच्छी कुछ नहीं होती, तो फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मार्केट की मिठाई ना खाएं, उसमें बहुत ही मिलावट होती है। आप भी इसी तरह अपने घर में गाजर की बर्फी बनाएं, जैसा आपने हमारे वीडियो में देखा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बनी है।
तो फ्रेंड्स, मेरी घर की बनी हुई गाजर की मिठाई बनकर तैयार है। आप भी इसी तरह बना लें अपनी मिठाई। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।